हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो, हमारे साथ डॉक्टर महिपाल जी हैं। अभी क्योंकि लोग सिलेंडर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये एक पॉइंट बता रहे हैं जिसको दबाने से बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। तो आप जो है ये पॉइंट ध्यान से देखिए, और जिसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, तो आप इस पॉइंट को अगर दबाएंगे रेड कलर से, ध्यान रखिए रेड कलर से अगर दबाएंगे तो ही ये काम करेगा। वैसे भी प्रेस कर सकते हैं आप इसको, प्रेशर पॉइंट है ये। बिना कलर के भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं, कलर के चक्कर में ना डाल के। हाँ, कलर के चक्कर में ना रहें। आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, थंब के नीचे ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट। आप लेफ्ट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट, और राइट में तो राइट है। जिसको भी प्रेस आप करेंगे तो पेन होगा, पेनफुल पॉइंट होगा, तो ये समझ लो आपके राइट में है प्रॉब्लम है, लेफ्ट में। फिर भी अगर ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों प्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे और 10-10 बार आप देखेंगे ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ने चालू हो जाएगा, और बार बार रिपीट करेंगे हर आधे घंटे में, 20 मिनट में। हाँ, एक बार डॉक्टर साहब आप प्रेशर करना, कैसे प्रेस करना है वो बता दीजिए। आप इसको क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी ऐसे प्रेस, ऐसे दबा के और क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं कर सकते तो आप खाली प्रेशर करें, खाली पंपिंग करें, लंग्स के ऊपर पंपिंग करें। जैसे आप पंपिंग करोगे पेन होगा, तो ये समझ लो आप राइट प्रेशर भी करें और करेक्ट पॉइंट भी है, और ऑक्सीजन आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। किसी भी तरह का अस्थमा का अटैक आप इससे रोक सकते हैं। और दबाना कितना है, सबसे मेन बात है कि इसको प्रेस कितना करना। आप देखोगे जितना पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, जितना पेशेंट इसको बर्दाश्त कर सकता है, जैसे कोई भी आदमी इसको जितना बर्दाश्त करे उतना प्रेशर करना है, उससे ज्यादा नहीं, टॉलरेट से ज्यादा नहीं करना है। तो ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, वेलकम।